मैं हूँ अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। हम दो हमारे 12 फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन, 113 संगठन, 10,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं प्रज्वल के खिलाफ प्रोटेस्ट। बीदर के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स का बड़ा हंगामा। हिंडल का जेल में कैदी का जेल अधिकारी पर हमला। चूहों से परेशान व्यक्ति ने की पुलिस थाना में जाकर शिकायत। सीएम के घर का घेराव करने वाले भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। सस्पेक्टेड बैग मिलने से इलाके में सनसनी, लोग परेशान। सीपीआई पर हमला, आरोपी के पांव में गोली दागी पुलिस ने। 6 दिन से जंगल में लापता बूढ़े व्यक्ति को बचाया फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने। शोर मचाने वाले बाइक साइलेंसर्स को कुचल डाला पुलिस ने। अब खबरें विस्तार से। हम दो हमारे 12 फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन, किसी न किसी बहाने से एक खास समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, माहौल बिगाड़ने में अब फिल्म इंडस्ट्री भी एक अहम भूमिका निभा रही है। कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी के बाद अब हम दो हमारे 12 फिल्म जो 7 जून को रिलीज होने वाली है, जिसमें पवित्र ग्रंथ कुरान और मुस्लिम समुदाय का अपमान को लेकर फिल्म में दिखाए जाने वाले दृश्यों पर ऐतराज और नाराजगी की लहर देश भर में चल रही है। इस पिक्चर के बायकॉट को लेकर बीजापुर जिला मुद्दे बिहार के प्रगति पर संगठनों की एकता मंच के जिम्मेदारों, समाज चिंतकों ने तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर निवेदन करते हुए इस फिल्म को रिलीज होने से रोके, जिससे खास समुदाय के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गलत संदेश दिया जा रहा है, समाज में कहा प्रदर्शनकारियों ने। 113 संगठन, 10,000 से ज्यादा लोग कर रहे हैं आज प्रज्वल के खिलाफ हासन में प्रोटेस्ट। हासन चलो ऐलान के बाद अलग अलग महिला संगठन, कार्मिक संगठन, किसान संगठन, दलित संगठन, विद्यार्थी संगठन जैसे 113 संगठनों के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हासन के सांसद प्रज्वल के खिलाफ इनकी हवस का शिकार हुई हजारों महिलाओं को इंसाफ दिलाने की आवाज लगाते हुए प्रज्वल की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हासन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। जबकि 31 मई कल रात ही प्रज्वल के बेंगलुरु आने के इंतजार में है SIT, प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए इस प्रदर्शन के दौरान कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी देखने को मिला शहर भर में। बीदर के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स का बड़ा हंगामा। मामला बीदर शहर के मैलारू क्रॉस पर रहे GND गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोग्राम में जय श्री राम का गाना बजाए जाने को लेकर शुरू हुआ ये हंगामा। इंजीनियरिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने ही किया आपस में ही एक दूसरे के साथ झगड़े का नज़ारा कैद हुआ मोबाइल कैमरे में। मौके पर पहुंची पुलिस और मैनेजमेंट के साथ बात करते नजर आए ईश्वर खंडे और मंत्री रहीम खान। मामला गांधीगंज पुलिस थाना में दर्ज, 17 स्टूडेंट्स पर FIR दर्ज। स्टेशन बेल पर स्टूडेंट्स को जमानत पर रिहा किया है पुलिस ने। अब हालात हैं काबू में। हिंदलगा जेल में कैदी का जेल अधिकारी पर हमला। जेल के रूल्स फॉलो करने की बात पर भड़का कैदी, बेलगाम हिंदलगा जेल वार्डन विनोद लोकापुर पर जानलेवा हमला किया। कैदी रोहन ने जेल अधिकारी को लात से मार के हाथों से पीटा, जो हासन से तड़ी पार के चलते बेलगाम की इस जेल में सजा काट रहा है। रोहन ऐसे ही हरकतों की वजह से इस मामले के बाद कैदी रोहन को जेल की टाइट सिक्योरिटी सेल में डाला गया है, तो जख्मी जेल अधिकारी विनोद का बीम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इतना सब होने के बाद भी कैदी पर कोई कार्रवाई ना होने से नाराज अधिकारी आला ऑफिसर से गुहार लगा रहा है, कितने सुरक्षित हैं जेल में अधिकारी, ये भी सवाल उठा है इस वारदात के बाद।
चूहों से परेशान व्यक्ति ने की पुलिस थाना में जाकर शिकायत। अक्सर लोग गुंडे मवाली चोर डकैतों से परेशान होकर पुलिस में इनसे छुटकारा दिलाने की शिकायत को ले जाने के मामले आपने सुने और देखे होंगे। अब जमाना बदल गया है, कभी कुत्ते तो कभी बिल्लियों के लिए पड़ोसी और लोग पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। तो अब पड़ोसी के घर के चूहों से परेशान हुबली के आनंद नगर की है ये वारदात, जहां रोज़ पड़ोसी के घर में बसेरा करने वाले चूहे करते हैं इस परिवार को तंग और परेशान, जिनकी शिकायत को लेकर व्यक्ति पहुँचा पुराना हुबली पुलिस स्टेशन। सीएम के घर का घेराव करने वाले भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। वाल्मीकि डेवलपमेंट कारपोरेशन के सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर की मौत खुद की जान का नुकसान करने के पीछे 88 करोड़ रुपयों के गोलमाल का पर्दाफाश। असल जिम्मेदार एसटी समुदाय के मंत्री नागेंद्र को आरोपी ठहराते हुए कैबिनेट के दर्जे से हटाने की मांग को लेकर आज बेंगलुरु के कावेरी में रहे सीएम के घर का घेराव करने पहुंचे बीजेपी यूथ मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया माहौल बिगाड़ने से पहले ही गिरफ्तार। काफी देर तक ये हंगामा सड़कों पर यूं ही चलता रहा। सस्पेक्टेड बैग मिलने से इलाके में सनसनी, लोग परेशान। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर पुलिस थाना लिमिट में सड़क पर एक अनजान सस्पेक्टेड बैग से इलाके में बेचैनी का माहौल बन गया। इस बैग की जब पुलिस ने तलाशी ली तो बैग में कपड़े, पानी पूरी, पानी की बोतल मिलने से राहत की सांस ली पुलिस ने। जिस बैग को यहाँ रख कर टॉयलेट चली गई थी महिला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। सीपीआई पर हमला, आरोपी के पांव में गोली दागी पुलिस ने। बीदर न्यू टाउन सीपीआई संतोष टट्टेपल्ली पर जानलेवा हमला, जवाबी कार्रवाई में की गई 2 राउंड फायरिंग। नाइट राउंड के दौरान आम जनता को डरा धमका के तंग करने की शिकायतों के बाद रोडी शीटर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के शिकंजे में ही रहकर हंगामा करके ब्लेड से हमला करके बेकाबू होने वाले आरोपी ने सीपीआई और 2 पुलिस वालों पर ही कर दिया जानलेवा हमला। तो जवाबी कार्रवाई और सेल्फ डिफेंस के चलते आरोपी के पांव में गोली चलाने की जानकारी दी बीदर जिला एसपी चन्ना बसवन्ना ने, जिनका इलाज हॉस्पिटलों में चल रहा है, कहा एसपी ने। 6 दिन से जंगल में लापता बूढ़े व्यक्ति को बचाया फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम ने। दक्षिण कन्नड़ा के बेत्तंगड़ी के शाबाजी के जंगलों में लकड़ियां लाने जंगल गए 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति लापता हो गया। तो पूरे 6 दिन की तलाशी और मिशन के बाद जंगल की झाड़ियों में मिला व्यक्ति, जिससे पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, जबकि पिछले 60 साल से मेरा जंगल को आना और जाना है, कहा इस व्यक्ति ने। शोर मचाने वाले बाइक साइलेंसर को कुचल डाला पुलिस ने। धारवाड़ शहर में रोड रोमियो के होश उड़ाते हुए आए दिन सड़कों पर जोर आवाज से शोर मचाने वाले साइलेंसर को लगाकर जनता और खासकर लड़कियों को तंग करने वाले ऐसे ही मंचलों के 240 बाइक्स के साइलेंसर को उखाड़ के सड़क पर रोड रोलर से कुचल दिया पुलिस ने, ताकि ये दोबारा इस्तेमाल में ना आ सके। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।